74 करोड़ की बंदरबांट सामने आई है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रुबेला टीकाकरण में 75 करोड़ की बंदरबांट। आप देखिए 75 जिलों में प्रचार प्रसार के नाम पर जमकर लूट की गई है, ऐसी खबर है। अलग अलग जिलों में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के मद्देनजर प्रचार प्रसार के नाम पर लूट, और प्रदेश के सीएमओ ने बिना टेंडर दे दिए ठेके। सीबीआई जांच में फंसी पंचायत उद्योग को दिया ठेका, एनएचएम का 75 करोड़ सीएमओ ने लूट लिया है। ये जानकारी आपको दे रहे बेहद खास बेहद अहम है, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, रुबेला टीकाकरण को लेकर जो 75 जिलों में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार, अब खबर ये कि लूट मची हुई है इस पूरे अभियान में। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार का ये पैसा था एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 75 करोड़ रुपया इसके पंपलेट छपाई पर, वॉल राइटिंग पर जिलों में खर्चा करना था। तो पंकज कुमार जो निदेशक है, उन्होंने पैसा सीएमओ को भिजवाया था, और वहां पर सीएमओ को स्पष्ट निर्देश थे कि 1 लाख से ऊपर अगर कोई काम किसी संस्था को दिया जाता है तो टेंडर से दिया जाए। और इन लोगों ने, सीएमओ ने पंचायत उद्योग से मिल के ये टेंडर नहीं किया और ये पैसे की बंदरबांट कर ली। तो ये एनएचएम का में पहले भी बहुत बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं, सीएमओ के मर्डर हुए हैं, अब इस सरकार में 75 करोड़ रुपए की बंदरबांट हो गई, और पंचायत उद्योग जो पहले भी सीबीआई जांच में फंसी है, पहले भी वो स्वास्थ्य विभाग के कई कामों को लेकर संदिग्ध संस्था है, उसको दे ही नहीं सकते काम। अब वो कई कई लाख का काम उसने जिले में कर लिया, और सीएमओ और डॉक्टरों ने मिल के पैसे खा लिए। अब इसकी जांच जब शोर मचा, तो अब पंकज कुमार ने सभी प्रदेश भर के सीएमओ से इस पर रिपोर्ट मांगी है 10 दिन के भीतर कि वो रिपोर्ट दे। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये पैसा लूट लिया गया जो बच्चों के टीकाकरण के नाम पे था, और सरकार भले ईमानदारी की ढोल पीटती रहे, बिल्कुल टीकाकरण के नाम पर घपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब अगली खबर बरेली से है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर तेजाब से हमला कर दिया है। घर में घुस